मजदूरों के लिए शुरू की गई योजना मनरेगा की हालत झारखंड में अच्छी नहीं है। काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, मजदूर मिलते हैं तो समय पर भुगतान नहीं होता और इन सब के बीच राजनीति भी जारी है। मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं तो जमीन पर आई, लेकिन प्रदेश में यह योजना दम तोड़ती नजर आती है। खुद राज्य के मुखिया भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस तरीके से मनरेगा का क्रियान्वयन होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो केंद्र सरकार का बचाव करती नजर आती है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की। इस बैठक में मनरेगा मजदूर, मनरेगा कर्मियों से जुड़े कई मुद्दों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और कई खामियां पाई। मुख्यमंत्री ने इन खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। वहीं मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और उन्हें उसका भुगतान समय पर हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र हैं जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, फोटो होल योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, इनके लक्ष्य को भी काफ़ी बड़ा किया है। अभी बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से 50,000 एकड़ जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने का हमने विभाग को निर्देश दिया है और रोजगार लोगों को उपलब्ध हो, ये निर्णय। हालांकि मुख्यमंत्री ने मनरेगा की इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि 12 जुलाई को नीति आयोग के साथ होने वाली बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये और कितनी मजबूती से काम करे, कितना अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, लेकिन कुछ विडंबनाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं इस मनरेगा योजना में जो केंद्र सरकार के पाले में आता है, जिसके वजह से समय सीमा के अंतराल राज्य सरकार को पैसे प्राप्त नहीं हो पाते, जिसमें कहीं ना कहीं जो लाभुक है, किसान है, उनके मन में एक निराशा पैदा होने लगता है। केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री के आरोपों को लेकर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। वित्त मंत्री सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार रहे हैं और मुख्यमंत्री मनरेगा के बदहाल स्थिति के लिए अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, तो अब उसमें उनको अपनी कमियां केवल दिख रही है, कहीं कुछ हुआ नहीं है, तो बहुत सोच विचार करके उनके मन में फिर से आया इसमें केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दो और अपना निश्चिंत हो जाओ। तो मैं समझता हूं यही काम उन्होंने किया है। मनरेगा पर हो रही सियासत के बीच मनरेगा मजदूर संघ की बात माने तो 7 साल बाद रोजगार गारंटी परिषद की हुई बैठक और उसमें लिए गए निर्णय सरकार के स्थल से एक सही प्रयास है, लेकिन मनरेगा को लेकर सरकार की नीतियों में ही कई विसंगतियां हैं। मजदूरी का बाजार दर ज्यादा है, मनरेगा का कम है, वहीं दूसरे विभागों में काम करने वाले मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, मजदूरों को समय पर भी भुगतान नहीं होता, ऐसे में मजदूर मनरेगा से क्यों जुड़े? मनरेगा मजदूर है, जो मनरेगा मजदूरी उसको मिलता है, जो दरमाहा उसको मिलता है, वो बाजार के दर से बहुत ही कम है। बाजार में का मजदूरी दर 450-500 रुपया है और इनको मनरेगा में 255 रुपया मात्र दिया जाता है। इस कारण से मनरेगा में मजदूरों का काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं करता, वो इस योजना से दूर भागते हैं। 2005 में केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा योजना को लागू किया था और मजदूरों ने 4 साल में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकने की स्थिति में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाना है। ऐसे में रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में आई बात इस योजना के उद्देश्यों की सफलता पर सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी जहां एक बड़ी समस्या है, ऐसे में मजदूरों के रोजगार से जुड़े मुद्दे को मुद्दा बनाकर सियासत करने के बजाय इस मुद्दे से जुड़े समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जाए और मनरेगा जैसी योजनाओं के कमी खामियों को दूर करने का प्रयास किया जाए, तो शायद मनरेगा का उद्देश्य पूरा होगा और मजदूरों को उनका हक और न्याय मिल पाएगा। नहीं तो मनरेगा जैसी योजनाएँ भी
आपसी सियासत और राजनीति में उलझ कर रह जाएगी और मजदूर ऐसे ही भूखे सोते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा और प्रदीप कुमार के साथ मनोज कशिश, न्यूज रांची।